नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली। चलिए, आज का ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, और स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग स्पेसमेंस का रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। रैंक कोरिलेशन का इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है, वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं थी। लेकिन अभी जो हम लोग प्रश्न लिए हैं, इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि रिपीटेशन है। यहाँ देखिए, एक्स में भी जो है 75 75 दो बार आया है, और वाई में भी जो है वो 14 14 तीन बार आया है। तो इस तरह से अगर एक्स में भी कोई नंबर रिपीट रहते हैं, वाई में भी कोई नंबर रिपीट रहते हैं, तो आप क्या करिएगा और किस तरह से रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला को आप संशोधित करिएगा, ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलिए, फॉर्मूला को संशोधित करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका रैंक निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रैंक ऑफ एक्स। चलिए हम लोग रैंक देना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सबसे बड़ा है, 80, तो उसको रैंक 1, उसके बाद में 78, उसको रैंक 2, उसके बाद देखिए 75 जो है वो दो बार आया है, तो 75 दो बार आया है, तो यहाँ हम लोग दोनों को एवरेज रैंक देंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका रैंक का पोजीशन देखेंगे, ये 75 का पोजीशन 3 है और 1 का 4 है, तो एवरेज रैंक हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो एवरेज रैंक कितना हो जाएगा, एवरेज रैंक जो होगा इसके लिए 3 और इसके लिए 4/2, यानी कि 7/2, तो ये कितना हो गया 3.5। दोनों को हम लोग 3.5 रैंक देंगे। हमारा रैंक कितना तक यूज हो गया है, 4 तक रैंक यूज हो गया है, 1 2, और फिर इन दोनों के लिए 3 4 3 4 का एवरेज हम लोग दे दिए, 4 तक रैंक यूज हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग रैंक देंगे वो होगा 5, तो 68 होगा 5, फिर यह 6 7 और ये हो गया 8। तो इस तरह से हम लोग रैंक ऑफ एक्स फाइंड कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर रैंक ऑफ वाई का रैंक हम लोग निकालते हैं। तो वाई में भी चलिए हम लोग रैंक देते हैं। तो सबसे पहले कौन सबसे बड़ा है वाई में, यहाँ देखिए 17 सबसे बड़ा है, ये हो गया रैंक 1, उसके बाद 16, ये हो गया 2, उसके बाद 15, ये हो गया 3, उसके बाद 14 14 तीन बार है, तो तीन बार के लिए क्या होगा 4 5 एंड 6, तो 4 5 एंड 6 क्या होगा, 4 5 एंड 6 का हम लोग एवरेज रैंक निकालते हैं, कितना हो जाएगा। एवरेज रैंक 4 5 6, तीन जगह रिपीट है तो डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 15 15/3, तो 5 कितना निकला, एवरेज रैंक कितना निकला 5। तो हम लोग तीनों जगह में हम लोग 5 देंगे। इस तरह से आपको एवरेज रैंक देना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारा रैंक कितना तक यूज हो गया है, 6 तक हमारा रैंक यूज हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग कितना रैंक देंगे, 7 और 8, तो फिर 13 है ये हो गया 7, और उसके बाद 12 है ये हो गया 8। तो इस तरह से हम लोग रैंक दे दिए, एवरेज रैंक दे दिए, जब नंबर टाई होगा तो हम लोग एवरेज रैंक दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ एक्स और माइनस रैंक ऑफ वाई, दोनों को हम लोग माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ 1 1 में से 8 जाएगा -7, 2 में से 5 गया -2 में से 7 गया -5, 3.5 में से 5 जाएगा तो -1.5, यहाँ भी -1.5, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। चलिए कितना हो गया, 7 7 49 5 5 6 25, 1.5 का कितना हो जाएगा 2.25, फिर यहाँ भी 2.25, 0 16 16 49। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 159.50, ये हमारा टोटल हो गया। अब हम लोग
फॉर्मूला में थोड़ा सा संशोधन करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन है। तो हम लोग लिखेंगे रैंक कोरिलेशन बराबर 1 माइनस 6, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम। ये 1/12 एम क्यू माइनस एम एक बार आया है किसके लिए, 75 के लिए, फिर 14 में भी रिपीट हुआ है तो हम लोग और एक बार इसको लिखेंगे 1/12, तब यहाँ लिखेंगे यहाँ एम वन और यहाँ लिख देंगे एम टू, फिर हम लोग यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जितना बार जितना डिजिट रिपीट होगा ये उतने बार आएगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन के हिसाब से नहीं आएगा। जैसे ये 75 के लिए आया है और ये 14 के लिए आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 159.50 प्लस 1/12। यहाँ पर देखिए M1 किसके लिए आया है, 75 के लिए आया है, 75 का नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना है, दो बार, तो यहाँ पर 2 का क्यू और माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/12। ये M2 किसके लिए आया है, 14 के लिए यूज हुआ है, 14 का नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 का क्यू माइनस 3। अंदर में ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको लिखना है, और यहाँ ऊपर में हमेशा पावर 3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एन कितना है 8, 8² - 1। जब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा और पूरा बनाइएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6/12 हो जाएगा, यानी कि 0.5 आएगा यहाँ पर। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 27 में से 3 जाएगा तो 24, 24/12, इसका मतलब 2 आएगा यहाँ पर। तो 1 - 6 इंटू 159.50 प्लस 0.5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 504, तो ये बराबर हो जाएगा 1 - 1.928 और ये बराबर हो जाएगा -0.928। ये हो गया आंसर। इस तरह से ये हमारा रैंक कोरिलेशन निकला। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि अगर x और y में रिपीटेशन रहेगा तो आप फॉर्मूला को कैसे संशोधित करिएगा। ध्यान रखिएगा कि जहाँ रिपीटेशन होगा तो वहाँ एवरेज रैंक आपको देना है, और जितना डिजिट रिपीट होगा उसके हिसाब से यहाँ संशोधन होगा। ये जैसा आपका 75 के लिए आया है और ये 14 के लिए, और m के जगह में नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखना है, 75 दो बार रिपीट हुआ है तो 2, और यहाँ 14 तीन बार रिपीट हुआ है तो 3। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने सीखा कि अगर कोई डिजिट रिपीट होता है तो आप रैंक कोरिलेशन का कैलकुलेशन कैसे करिएगा। तो रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन यही दो ढंग से आते हैं जो हम लोग आज सीखे और इससे पहले की वीडियो में सीखे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जब जरूर समझ में आई होगी कि स्पेसमेंस का रैंक कोरिलेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।